आज़ादी का अमृत महोत्सव। मेरे ठीक पीछे दिखाई दे रहा है ये भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका का मुख्यालय है, और भिवंडी शहर में इस मुख्यालय के अंडर में 5 प्रभाग समितियाँ भी हैं, और पूरे भिवंडी शहर में 1-2 नहीं हज़ारों में इनलीगल कंस्ट्रक्शन भी है, समस्याएं भी है, रास्ते नहीं हैं, अगर हैं तो खड्डे हैं और खड्डों में पानी है, इसलिए वाहन चालकों को समझ में भी नहीं आता कि इसकी गहराई कितनी है। और अभी अभी भिवंडी पुलिस ने भी एक मैराथन का आयोजन किया, इस बहाने महानगर पालिका ने थोड़ा सा खड्डा भरने का काम भी कर दिया। बहरहाल आज के एक दिन बाद यानी कल भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका द्वारा आयोजित एक बाइक रैली है इसी अमृत महोत्सव के अवसर पर। 15 अगस्त सामने है, आज भी भिवंडी शहर के ना जाने कितने रास्ते ख़राब हैं उसकी कोई गिनती नहीं है, और अंदर 18 रुपए में तिरंगा बेचा जा रहा है। कहने का असल मतलब ये है कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के पास अपना कोई उपक्रम तो है नहीं, मगर आमदनी है, कमाई है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि भिवंडी शहर के जो नागरिक हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा इस तरह के ठिकानों को इनकी तरफ से आज़ादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा मुफ्त में गिफ्ट किया जा सकता था, मगर इन्हें हर काम में पैसा चाहिए। सूत्रों की माने तो एक लिस्ट व्हाट्सएप पर घूम रही है जो मेरे पास भी है, भिवंडी शहर के इस मुख्यालय में जितने भी ठेकेदार हैं, हालांकि ठेकेदारों का भी काम देखा जाए तो भिवंडी शहर में जो काम होता है वो किसी काम का काम नहीं होता। साल के 12 महीने भिवंडी शहर के वाहन चालक, भिवंडी शहर के नागरिक रास्तों पर तकलीफें उठाते हुए घूमते हैं, मगर वो जो यादी है तिरंगे के नाम पर उसका कलेक्शन भी किया गया है, उसके बाद एक टेंडर भी दिया गया है। टेंडर देने के बाद जब तिरंगा आया तो यहाँ 18 रुपये में बेचा भी जा रहा है। तो जब रात के अंधेरे में लोगों से डोनेशन लिया गया है तो क्या भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका आयुक्त की जो पूरी टीम है भिवंडी शहर को तिरंगा मुफ्त में गिफ्ट में दे नहीं सकती? तिरंगा भी बेचा जा रहा है। बात यही उठती है कि तिरंगा खरीदने की ताकत इस देश में किसके पास है, क्योंकि वो तिरंगा है मगर यहाँ ये बेच रहे हैं और एक पावती भी दे रहे हैं। चलिए ठीक है, ये भी मान लेते हैं तिरंगे का मान सम्मान देश की आज़ादी का हमारा ये 75वां साल है, और इस मौके पर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि महानगर पालिका 18 रुपये में जो झंडा बेच रही है वो मुफ्त में भिवंडी शहर के सामाजिक लोगों को, नागरिकों को, वाहन चालकों को दे सके? मगर ऐसा कुछ भी यहाँ नज़र नहीं आता। और कल इनकी बाइक रैली है और खड्डे, पानी भरे हुए खड्डे, रास्ते में पानी भरे हुए, वो कल भिवंडी के नागरिकों को देखने को मिलेगी। मैं महेश गुप्ता के साथ खान फखर आलम।